ये हमारा मटन चॉप मसाला रेडी है। देखिए कलर भी कितना बढ़िया ये मटन चॉप मसाले को आ गया है। और इसके लिए हमें एकदम कम से कम इंग्रेडिएंट लगते हैं, इसलिए बनाने के लिए बहुत ही आसान लेकिन खाने के लिए बहुत ही टेस्टी ऐसी ये रेसिपी है। अब रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट जैसा मटन चॉप मसाला आप घर पे ही बना सकते हैं। और अगर आपने अश्विन्स किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विन्स किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ये 1/2 kg यानी 500 ग्राम लैम चॉप्स मैंने अच्छे से वॉश करके लिए हैं। अब इसमें ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके ऊपर ढक्कन रखकर हम ये लैम चॉप्स को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। इन सभी मसालों की हम पेस्ट बना के लेते हैं। यहाँ पे 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच धना जीरा पाउडर डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के लेते हैं, मिक्स करके लेते हैं। ये ऐसी पेस्ट बनाने से मसाले ऑयल में बिल्कुल भी जलते नहीं है। ये देखिए हमारी मसाला पेस्ट रेडी है। यहाँ पे ये 4 हरी मिर्च, 10 लहसुन की कलियाँ और ये बारीक कटा हुआ अदरक। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्सी के ये जार में डाल देते हैं और ढक्कन लगाकर मिक्सी में इनको अच्छे से पीस के लेते हैं। ये देखिए सभी चीज़ों को हमने मिक्सी में अच्छे से पीस के लिया है। गैस चालू कर देते हैं। यहाँ पे ये पैन में हम ये 3 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। गैस मीडियम फ्लेम पे ही है। अब ये ऑयल गरम हो गया है। यहाँ पे 4 बड़े साइज के प्याज को मैंने फाइनली चॉप करके लिया है, इनको हम ये ऑयल में डाल देते हैं। अब ये प्याज को एक 10 मिनट जैसे गोल्डन कलर आने तक हमें ऑयल में भून के लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्याज को गोल्डन कलर आ गया है, इसका मतलब है प्याज हमारा ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गया है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च को जो हमने पेस्ट बना के ली थी वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब ये पेस्ट को भी हम ये प्याज के साथ ऑयल में 1-2 मिनट अच्छे से फ्राई करके लेते हैं। अब हमने जो मसालों की पेस्ट बना के ली है उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। अब ये मसालों की पेस्ट को भी हम ये प्याज के साथ ऑयल में अच्छे से भून के लेते हैं। यहाँ पे मसालों के बाउल में मैंने 3 चम्मच पानी डाल दिया था, उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। ये पानी डालने से ये प्याज और मसाले जल्दी पक जाते हैं। ये देखिए इन मसालों ने ऑयल छोड़ना चालू कर दिया है, इसका मतलब है ये हमारे मसाले ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गए हैं। यहाँ पे 2 बड़े बारीक कटे हुए टमाटर, इनको भी हम इसमें डाल देते हैं। अब ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम ये ऑयल में 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करके लेते हैं। लगभग 4 मिनट हमने ये टमाटर को ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी वजह से ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इसमें हमने जो मैरिनेट करके लिए है लैम चॉप्स वो डाल देते हैं। गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं और हाई फ्लेम पे ही हम ये प्याज टमाटर के साथ लैम चॉप्स को भी एक 5 मिनट ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लेते हैं। लगभग 5 मिनट हमने इन मटन के पीसेस को यानी लैम चॉप्स को ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लिए हैं। उससे ये मटन के पीसेस का रॉनेस चला जाता है और मटन जल्दी भी कुक हो जाता है। अब इसमें हम ये सब पीसेस अच्छे से डीप होने तक गरम पानी डाल देते हैं और गरम पानी ही डालना है, क्योंकि ये मटन के पीसेस का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर मैच होना चाहिए। मटन मैरिनेट करते टाइम हमने इसमें इनफ नमक डाल दिया था, लेकिन आपको अगर कम लग रहा है तो आप आपके टेस्ट के हिसाब से और नमक डाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रेवी को अच्छे से उबाल आना चालू हो गया है। अब गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और ढक्कन रखकर एक 40 मिनट हम ये लैम चॉप्स को पका के लेते हैं। 40 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं। वाह,
एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लैम चॉप्स भी अच्छे से पक गए हैं। चिकन से अगर हम मटन को कंपेयर करेंगे तो चिकन से ज़्यादा मटन को खोने में ज़्यादा टाइम लगता है। एक चम्मच कसूरी मेथी को हम ऐसे हाथों से रब करके इसमें डाल देते हैं। अब 1/4 स्पून गरम मसाला पाउडर, ये ऑप्शनल है, आपको अगर चाहिए तो ही इसमें डालिए। ये 3 हरी मिर्च, इनको बीच में मैंने कट दिया है, ये हम बस फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब गैस बंद कर देते हैं और ये मटन चॉप मसाले को हम बाउल में निकाल देते हैं। ये हमारा मटन चॉप मसाला रेडी है। देखिए कलर भी कितना बढ़िया ये मटन चॉप मसाले को आ गया है। और इसके लिए हमें एकदम कम से कम इंग्रेडिएंट लगते हैं, इसलिए बनाने के लिए बहुत ही आसान लेकिन खाने के लिए बहुत ही टेस्टी ऐसी ये रेसिपी है। अब रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेस्टोरेंट जैसा मटन चॉप मसाला आप घर पे ही बना सकते हैं।